एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक नाश्ता। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने एक जार ले लिया है और हमने आधी कटोरी ली है सूजी। तो सूजी को जार में डाल देंगे और जितना हमने सूजी ली है उतनी ही कटोरी से नाप कर हम पानी ले लेंगे। तो पानी भी सूजी में डाल देंगे और अब आधी चम्मच इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो चीनी से हमारे जो नाश्ता हम बनाने वाले हैं उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और आधी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों के साथ ही हम इसमें दो चम्मच डाल देंगे दही। तो अब इसको चला लेते हैं। तो हमने सूजी को चला लिया था मिक्सी के जार में और देखिए इस तरह का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसमें डाल देंगे हम ये दो चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और घुला हुआ बनेगा। तो हमने एक केक टिन ले लिया है और इसको ग्रीस कर लिया है। तो ये जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है इसमें डाल देंगे। एक कढ़ाई में हमने एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये एक जाली इसमें रख दी है जिसके ऊपर हम ये केक टिन रख देंगे। तो ये नाश्ता हम थाली में भी बना सकते हैं। और अब इस पर थोड़ा सा डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। तो ये नाश्ता पक गया है और इसको अब निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए नाश्ता ठंडा हो गया है और देखिए इसने किनारे भी अपने छोड़ दिए। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। और अब एक प्लेट लगा कर उसको तो देखिए नाश्ता निकल गया है और इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चाहे तो हम इसे इस तरह से भी खा सकते हैं लेकिन हम इसका थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाए उसके लिए हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। तो एक पैन हमने गर्म होने रख दिया है और इसमें डाल देंगे दो चम्मच हम कुकिंग ऑयल। और नाश्ते को इस तरह से हम इसमें सेक लेंगे।
तो देखिए नाश्ता कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो नाश्ता हमारा सीख गया है। और इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो गाइस हमारा सूजी का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया है, केवल 2 चम्मच तेल से ये बनकर तैयार हुआ है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये नाश्ता ऐसा है कि हम इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।